अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेयर्स वाला पराठा बना रहे हैं, उसके लिए हम पेड़ा सबसे पहले बनाएंगे। तो चलो पेड़ा बनाते हैं। ये पेड़ा बन गया, अब इसको बेल लेंगे। बेलना स्टार्ट करते हैं। अब इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे। अच्छी तरह लगाना है, कॉर्नर्स में भी देसी घी लगाना। अब इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट करेंगे और हाथों की मदद से ऐसे फैला देंगे। अब इसके ऊपर, अब आपने जैसे फैन बनाते हैं वैसे बनाना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे सारा कर लेना। अब इसका कर लेना लेस का। इसको आप 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये हम पराठे के साथ प्याज और अंडे का सालन बना रहे हैं, उसके लिए हमने पैन में ऑयल ले लिया और प्याज डाल दिया। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, साथ ही इसमें मैंने लहसुन और सब्ज मिर्चों को छोटा छोटा चॉप करके डाल दिया था। साथ ही इसमें मैंने छोटा छोटा चॉप करके सब्ज मिर्चें और लहसुन डाल दिया है। ये अब मैंने पराठे को बेल लिया, अब इसको तवे के ऊपर डालेंगे। अब इसके साइड चेंज करेंगे, अब दूसरी साइड को करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। अब साइड चेंज करेंगे। इसके ऊपर आप देसी घी अप्लाई कर देंगे। अब देसी घी लगाएंगे। अब दूसरी साइड से भी लगा देंगे देसी घी। इसमें हमने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। इसमें हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ एक और पराठा बन रहा है, अब इसमें अंडे डालने लगी मैं। ये इसमें हम फौरन से मिक्स कर देंगे। पराठा रेडी। ये प्याज और अंडे वाला सालन भी तैयार हो गया। अब इसको हम पराठे के साथ सर्व करेंगे।